हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। भिवानी में रोडवेज की हड़ताल आज बेअसर सी दिखाई दी। अल सुबह ही प्रशासन के आला अधिकारी बस स्टैंड पहुंच गए और बसें चलाने के आदेश दे दिए। सुबह की बसें सभी सुचारू चली। वहीं जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की उनके खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। खुद डीसी अंशद सिंह व एसपी गंगाराम पूनिया भी बस स्टैंड पर सुबह 3 बजे से ही मौजूद रहे ताकि बसों के परिचालन में कोई व्यवधान न हो। डीसी अंशद सिंह ने कहा कि सरकार के आदेशों के तहत कार्रवाई की जा रही है, किसी को भी व्यवधान नहीं डालने दिया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने हड़ताल की उन पर एस्मा लगा दिया गया है। वहीं जो कर्मचारी अन्य कर्मचारियों को भड़का रहे थे उन पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। 2 कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया है। इसमें जो हड़ताल में भाग लेने वाले हैं कुछ लोग तो इकट्ठे हुए थे, वर्कशॉप के सामने इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमारी अभी तक बसें चल रही हैं। 4:30 बजे पहली बस थी भिवानी डिपो से, वो भी गई है। उसके बाद तो शाम से भी चला, लोहारों से भी आ रही है। अभी तक तो स्थिति सामान्य है, लेकिन साथ ही साथ जो इस्मा के तहत कार्रवाई होनी थी, खास करके वो नेता, यूनियन के नेता जो कर्मचारियों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि आप इस हड़ताल में भाग लो, उनकी प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई है और बतौर एविडेंस के रूप में हम उनके ऊपर इस्मा के तहत मुकदमा भी दर्ज करने के लिए अभी भेजा था। चप्पे चप्पे पर अल सुबह से ही पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बसों को पुलिस कर्मचारियों की मौजूदगी में रवाना किया जा रहा था व उनमें पुलिसकर्मी भी भेजे जा रहे थे। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, बसों का सुचारू परिचालन हो रहा है। देखिए, पुलिस विभाग की ये कोशिश है कि राज्य परिवहन के जो कुछ यूनियंस के द्वारा जो 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनजर हमने पर्याप्त पुलिस बल वर्कशॉप पे भी और बस स्टैंड पे भी तैनात किया है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो। साथ में ही जो ड्राइवर कंडक्टर बसें चला रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए और सवारियां भी है वो बसों में बैठ करके आराम से जाएं। वहीं कर्मचारी यूनियन की गुटबाजी की वजह से भी हड़ताल बेअसर रही। हरिनारायण गुट के कर्मचारियों ने बस चलाई। बस ड्राइवर पवन कुमार का कहना था कि वे बसें चला रहे हैं, दूसरी यूनियन ने उनकी हड़ताल के समय साथ नहीं दिया तो आज वे हड़ताल नहीं करेंगे। तक हमारा भाईचारा एक नहीं होता, कोई फायदा नहीं हड़ताल करने का। 7 अगस्त को SKS और महासंघ ने हड़ताल करी और यूनियन ने उनका साथ दिया, तालमेल कमेटी ने उनका साथ दिया। उसके बाद फिर तालमेल कमेटी ने 5 तारीख की हड़ताल रखी, उन्होंने कोई हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई। हम उनका मतलब हमारी लास्ट हड़ताल थी 5 तारीख की, उसके बाद हम कोई हड़ताल नहीं करेंगे, हमारा इन प्रधानों से विश्वास उठ चुका है। वहीं रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के बैनर तले कर्मचारियों ने वर्कशॉप के बाहर ही 200 मीटर की दूरी पर धरना दिया। कर्मचारी नेता ओम प्रकाश ग्रेवाल व नरेंद्र दिनूद ने कहा कि किसी भी तरह से कर्मचारी चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार हठ धर्मिता अपना रही है, साथ ही कहा कि जब सरकारी बसों से फायदा है तो निजी परमिट दिए जाने का कोई तुक नहीं। उन्होंने कहा कि बड़े घोटाले का अंदेशा है। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं किलोमीटर स्कीम पे, उसमें एक बहुत बड़ा घपला है। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं, हम भी ये कहना चाहते हैं, हमारी हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं जो हायर की जा रही हैं वो 36 रुपए 40 रुपए 44 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से की जा रही है, जबकि हमारी आय एक गाड़ी की 30 रुपए से ऊपर है नहीं। तो हम कह रहे हैं ये जो 8-10 रुपए जो गैप है ये कौन भरेगा, ये तो और घाटा बढ़ाएंगी। हमारा भी ये है कि यदि 720 रोडवेज के जो प्राइवेट परमिट आ जाते हैं तो रोडवेज का महकमा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए हम अपनी जायज मांगों के लिए लड़ाई रहे हैं, चाहे कि हमने किसी भी कितनी भी कुर्बानी बड़ी देनी पड़े, हम इस मांग को मनवा के रहेंगे। चाहे हमारे जो सस्पेंशन की और एस्मा की बात कर रही है, हमें कोई डर नहीं है इस बात का, एस्मा लगाए सस्पेंशन करे, लेकिन हम किसी भी सूरत में 720 परमिट नहीं आने देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।